मैं पंडित अमरेश भट्ट टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में लेखपाल के बैच में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, कल मैंने समास का टॉपिक लिया था और समास को एक काव्य के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया था और यह बताया था कि यह एक सामान्य जानकारी है जिसको काव्य के माध्यम से हमने समझाया। आज हम उसी समास को विस्तार से बात करते हैं, तो आइए चलते हैं समास के सेगमेंट पर। यहां पर पहली बात समास आता है तो पहला जहन में ये आना चाहिए कि समास किन शब्दों से मिलकर बना है, यानी पहला चीज किस शब्द यानी किन शब्दों से मिलकर बना है, पहला चीज। दूसरा ये आना चाहिए परिभाषा क्या होती है, यानी समास की परिभाषा क्या होती है। और तीसरा आना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम बात करें समास शब्द पर, तो कल भी मैंने जिक्र किया था यह सम धन आस से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। सम धन आस से मिलकर बना हुआ शब्द है जिसमें सम का अर्थ होता है सम्यक या संपूर्ण, आस का अर्थ होता है आशय यानी संपूर्ण आशय। और इन दोनों शब्द यानी समास का जो मूल अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, इसका मूल अर्थ होता है। अगर कोई पूछे समास का अर्थ क्या है तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण। इसके बाद हम परिभाषाओं पर आते हैं। परिभाषा में अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक पद मिलते हैं और मिल करके एक शब्द की रचना करते हैं जिसे हम समास कहते हैं। तो पहली चीज इसमें आता है दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, दो से अधिक पद। यहां पर यह तो समझ में आता है कि दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक, तो क्या समास में दो से अधिक पद भी आ सकते हैं? अगर आएंगे तो समास का निर्माण कैसे होगा और कौन सा समास होगा, तो उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। यहां परिभाषाओं पर बात करें तो परिभाषा यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जिन शब्दों की या जिन पदों की रचना की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकार पर आते हैं। प्रकार की बात अगर करें तो प्रकार, मुख्य प्रकार, अब यहां प्रकार में दो आपको बातें आएंगी। तो पहली चीज अगर समास के प्रकार पर बात करें तो समास के प्रकार, समास के प्रकार पर यानी समास के प्रकारों को हम देखें तो इसमें दो बातें आएंगी। पहला आएगा मुख्य प्रकार यानी समास के मुख्य कितने प्रकार, यानी समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य प्रकार। और ये आएगा जो होगा वह गौण प्रकार होगा, गौण प्रकार। तो मुख्य प्रकार और गौण प्रकार में यह विभाजित होगा। तो मुख्य प्रकार में कितना आएगा, चार, और गौण प्रकार में कितना आएगा, छह। यानी मुख्यतः चार प्रकार के
और गौणतः छह प्रकार के समास होते हैं। यहां पर मुख्यतः जो समास हैं वो कौन कौन से हैं और गौणतः जो समास हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर आइए हम देख लेते हैं और तब एक एक की हम चर्चा करते हैं। यानी अगर हम समास पर आते हैं तो पहला अगर हम प्रकार पर बात करें तो आप ये देखेंगे कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास यानी अव्ययी भाव समास है, ये पहला प्रकार है। दूसरा जो प्रकार होता है तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बाद, यानी इसमें कोई क्रम नहीं है कि अव्ययी के बाद जो है तत्पुरुष ही आएगा और तत्पुरुष के बाद द्वंद ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। द्वंद समास आप क्रम जैसे लिख सकते हैं। और चौथा जो समास है वो बहुव्रीही समास है, बहुव्रीही समास। यानी यहां पर ये हमारे चार प्रकार के समास होते हैं, यानी ये मुख्यतः हमारे चार प्रकार के समास हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास और बहुव्रीही समास। दो समास जो बच जाते हैं, जिसको माना जाता है, स्वीकार किया जाता है प्रकारों में, तो वहां जो बचते हैं वो ये जो है अलग से नहीं है, लेकिन विद्वानों ने इसे अलग मान्यता दिया है, जबकि ये तत्पुरुष का ही भाग है। तत्पुरुष का भाग है यानी इसमें आता है कर्मधारय समास आता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास ये इसी का भाग होता है, ये तत्पुरुष का ही भाग है। कभी कभी अगर आपको एग्जाम में कर्मधारय समास न दिया जाए, ऐसा दे दिया जाता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, तभी भी समझिएगा कि वो कर्मधारय समास ही है। और अगर द्विग समास ना लिख करके द्विग तत्पुरुष समास लिखता है, तभी भी यह समझिएगा कि यह द्विग समास ही है। यानी कर्मधारय और द्विग, जिसको पांचवा और छठा नंबर आप देते हैं, और यह मिलाकर के छह प्रकार के समास हो जाते हैं। जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा समास का, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न आपके रहेंगे सभी पर हम बात करेंगे। यहां सिर्फ अगर कभी पूछेगा मुख्यतः समास कितने प्रकार के हैं, चार, और पूछेगा समास कितने प्रकार के हैं, तो छह प्रकार के समास होते हैं, जो आपके यही छह प्रकार के समास होते हैं। हम तत्पुरुष समास के भी और भेद होते हैं जिस, लेकिन प्रकारों में उसको मान्यता नहीं मिली है। इसी में कर्मधारय और द्विग के बाद अलूक तत्पुरुष भी एक समास होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी हम एक अन्य समास पर भी इसके तत्पुरुष के ही भेदों पर बात करेंगे, लेकिन यह भेद प्रकार में नहीं गिने जाते हैं, यह स्वतंत्र रूप से नहीं है बल्कि इसके अधीन है। तो एक हम अलूक तत्पुरुष समास यही आएगा, यानी अलूक तत्पुरुष समास, इस पर भी बात करेंगे, अलूक तत्पुरुष पर। और इसी में एक और समास है न तत्पुरुष, न तत्पुरुष समास, यानी यह तत्पुरुष का ही सब पार्ट है एक प्रकार से समझिए। तो अलोक तत्पुरुष से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलोक तत्पुरुष समास के उदाहरण, यानी कोई अगर दे दिया गया है और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन में अलोक तत्पुरुष भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है न तत्पुरुष से भी दे दिया जाता है, तो इन पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो आपको नोट्स मिलेगा उस नोट्स में क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ रहेगा, यानी सभी जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना वन बाय वन उसमें रहेगा, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। समझते चलिए
और कुछ नोट करते चलिए। तो एक आपका सुव्यवस्थित नोट्स, क्लास नोट्स बन जाएगा, बाकी जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द्वंद समास पर भी हम कुछ बात करेंगे, इतरेतर द्वंद समास सीसी के अंतर्गत आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, बहुव्रीहि समास पर भी बात करेंगे। तो पहले आज हम आते हैं अव्ययी भाव समास को हम उठाते हैं, यानी अव्ययी भाव समास पर हम बात करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसको हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, यहां कल अगर आपको कविता याद हो तो उसमें आप पढ़िएगा तो लिखा है अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, ऐसा मैंने लिखाया है, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, ऐसा मैंने आपको चर्चा किया था और उसके बारे में कल मैं अव्ययी भाव समास के बारे में आपको मैं बताया भी था। यहां पर अव्ययी भाव समास यानी मैं कल भी जिक्र किया था और आज भी इसको थोड़ा सा गहराई में लेकर के चलते हैं कि कैसे यह अव्ययी भाव समास में इसके अतिरिक्त क्या क्या आते हैं। पहली चीज मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी बता दे रहा हूं, इसमें अव्यय होते हैं। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। यानी अगर हम परिभाषाओं पर बात करें तो परिभाषा में जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, पहला पद अव्यय। अब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब अव्यय में मैंने ये व्यय है और अ है, यानी दो शब्द है, व्यय है और अ है। व्यय मतलब खर्च होना या परिवर्तन होना, अ मतलब नहीं, जो परिवर्तित न हो उसे हम अव्यय कहते हैं। और ऐसे समास को जहां पर पहला पद अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो, पहला पद मुख्य हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यहां पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि पहला पद हमारा प्रधान तो होगा ही होगा, लेकिन अगर पहचान के लिए आपको बताएं तो पहला पद जो होगा वो प्रायः उपसर्ग होते हैं। अभी चूंकि मैं उपसर्ग पढ़ाया नहीं हूं इसलिए इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जब उपसर्ग पढ़ाएंगे तभी भी हम अव्ययी भाव समास की बात आपसे करेंगे। तो यहां पर पहला पद हमारा क्या होगा? मुख्य होगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, समास में दो से अधिक पद भी होते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे, यहां केवल हम दो पद पर बात कर रहे हैं। तो यानी समास में, प्रत्येक समास में लगभग दो पद होते हैं। अब दो पद जो होते हैं तो जो शब्द लिखा रहता है उसमें पहला पद होता है और दूसरा पद होता है। तो पहला पद और दूसरा पद, पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। अब यहां पर कुछ उदाहरणों पर हम बात करते हैं। तो उदाहरण पर अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए लिखा गया है यथा संभव, लिखा गया है, अगर ये शब्द लिखा गया है, यहां पर एक पद क्या हुआ? यथा, और एक पद क्या हुआ? संभव। अब यहां पर यथा को हम कहेंगे पूर्व पद या इसे हम कहेंगे प्रथम पद। संभव है, संभव को हम कहेंगे, संभव को कहा जाएगा द्वितीय पद या इसे हम कहते हैं उत्तर पद। यानी यहां पर प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद आता है। तो कह रहे हैं कि जो पहला पद हो वह क्या हो? अव्यय हो, यानी व्यय न हो। अगर व्यय नहीं है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है।
अन्य उदाहरणों पर अगर हम बात करें तो उसको अगर हम देखें तो यहां पर जैसे अगर मान लीजिए यथा साध्य लिखा गया है, यथा साध्य लिखा गया है, यथा क्रम लिखा गया है, यथा क्रम लिखा गया है, यहां यथा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप किसी भी शब्द में यथा आपने देख लिया, कौन सा शब्द, यथा, अगर पहला पद देखे तो हां समझिएगा कि अव्यय भाव समास होगा। पहला ये एक साथ साथ अन्य लोगों की भाषा में ट्रिक, या इसे कहिए समझ कहिए, यानी जहां पर आपको यथा शब्द मिल जाए और ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास होगा, आप अव्यय भाव समास टिक कर दीजिएगा, चाहे जो भी हो। अब अन्य उदाहरणों पर अगर हम बात करते हैं, प्रति को ले लेते हैं, अगर हम लिखते हैं प्रतिपल, अगर मैंने लिखा प्रतिपल लिखा तो प्रति पहला पद और पल दूसरा पद हुआ। अगर हमने लिखा प्रतिशत, ऐसा लिखा प्रति पहला पद और शत दूसरा पद, तो यहां पर भी क्या होगा, प्रतिवर्ष, यानी यहां पर भी हमारा क्या आया, पहला पद क्या आ गया, प्रति आ गया, और दूसरे पद के ऊपर यानी पहले पद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी अगर हम पल को हटा करके सत रख दिए तभी भी प्रति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वर्ष को हटा करके प्रति रख दिए तभी भी कोई हमको प्रति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ये क्या हो गया, हमारा मुख्य हो गया या प्रमुख हो गया, या इसे हम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं, या इसे कह सकते हैं कि यह अव्यय है, तो यहां पर यह प्रमुख होगा। अब दूसरे रूप में अगर हम देखें, यानी अगर प्रति आ जाता है, जिस शब्द में पहला पद जो है प्रति आ जाएगा, वो समझिएगा क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है प्रत्यक्ष लिखा गया है, अब प्रत्यक्ष लिखा गया है और लिखा गया प्रत्येक लिखा गया है, प्रत्येक लिखा गया, प्रत्यंग लिखा गया है, अगर ऐसा है, अब इसमें पूछा जाए इसमें कौन सा समास होगा, तो आप संधि जब करेंगे, मैं संधि पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस बात को बताऊंगा, संधि जब करेंगे तो इसका जब हम संधि करते हैं तो आपको संधि मिलेगा प्रतिधन अक्ष मिलेगा, यानी इसका संधि क्या होगा, प्रतिधन अक्ष, यानी यहां से भी हमको क्या मिला, प्रति मिला। अगर हम प्रत्येक की बात करें तो यहां से क्या मिलेगा, प्रतिधन एक, तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, प्रति मिलेगा, प्रतिधन एक, यानी यहां से भी हमको क्या मिला, प्रति मिला, प्रतिधन अंग, यहां से भी क्या मिला, प्रत्यंग, यानी यहां से भी हमको क्या मिला, प्रति मिला। भले ही हमारे सामने प्रति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है जो यण सर्वसंधि के रूप में समाहित है। हम जब संधि को पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि बातें पूरी समझ में आ जाए और आप पुनः निकालना इसको। तो यानी यहां पर भी प्रति मिल गया, तो जिस शब्द में पहला पद क्या हो, प्रति हो, तो समझिएगा क्या हो जाएगा, वहां पर अव्यय भाव समास हो जाता है। इसके बाद भी अगर हम चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये देखते हैं, ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा गया है आजीवन, लिखा गया है आमरण, लिखा गया है और आजन्म लिखा गया है, आजन्म लिखा गया है,
तो यहां तो आपको आ मिल जाएगा, तो समझिएगा कि पहला पद क्या हो गया, पहले पद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी यह भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी प्रति के साथ साथ अगर जिस पद में पहला पद अगर आ जाता है तो यहां भी समझिएगा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहां पे कभी कभी दे देता है, ऐसा दे देगा, मान लीजिए दे दिया यावत जीवन, यावत जीवन। अब इसमें पूछ दिया कौन सा समास होता है, तो यावत जीवन का अर्थ होता है जब तक जीवन है, और आजीवन का भी अर्थ होता है अगर विग्रह करेंगे कि जब तक जीवन है। बस इसका क्या है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। चार्वाक दर्शन अगर पढ़ते हैं तो चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, यानी जब तक जीना है तब तक आप सुख सुविधा से रहिए, और अगर ऋण लेकर के भी घृत यानी घी पीना हो तो कोई संकोच ना करिए, ऐसा वो चार्वाक दर्शन भौतिकवाद का प्रतीक है करता है। यानी यहां पर क्या है, यावत जीवन का भी क्या अर्थ है, आजीवन ही अर्थ है, तो यानी यावत जीवन में भी कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है, अब इसके दूसरे रूप पर आते हैं, यानी अव्ययी भाव समास के दूसरे रूप पर भी आते हैं। दूसरा इसका रूप क्या है, यह है अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, एक ही शब्द की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, और बीच में योजक चिन्ह लग जाए या सामासिक पद लग जाए। योजक चिन्ह को कहीं हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, विराम चिन्हों में बात किया जाएगा। तो यहां पर अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे आप लोग लिखते हैं कभी कभी लिखते हैं, तो कभी ऐसे लिख देते हैं, आप लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में यह गलत माना जाता है। अगर इसको पढ़ा जाए तो यह पढ़ा जो लिखा है उसको जब पढ़ेंगे तो यह लिखा गया है कभी दो, यह कभी कभी नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है कभी दो। तो यहां पर हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, यानी दो न लिख करके हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर एक बार और लिख देते हैं कभी कभी, और बीच में क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह। तो शब्द की अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग खूब यूज करते हैं बार बार, बार बार यूज करते हैं, अब एक ही शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, यानी जो शब्द यहां आते हैं वही शब्द यहां आ जाए, अलग ना हो, वही शब्द अगर आते हैं और बीच में योजक चिन्ह यह लगा हुआ रहता है तो यह समझिएगा यहां पर भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अगर आपने लिखा है धीरे धीरे, लिखा है धीरे धीरे, अगर ऐसा लिखा है तो एक ही शब्द धीरे यहां भी है, धीरे यहां भी है, एक ही शब्द अगर दो बार आ जाते हैं बीच में क्या योजक चिन्ह लगते हैं तो वहां पर भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समासी होते हैं। तो यहां पर अगर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो समझिएगा कि अव्ययी भाव समासी हैं। आप योजक चिन्ह पर मत जाइएगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा है इसलिए द्वंद्व समास होगा, मैं कल जिक्र किया था, अभी मैं द्वंद्व समास पर आऊंगा, वहां पर भी आपको क्लियर करूंगा कि द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह वहां भी आता है और शब्द छिपा हुआ भी रहता है, लेकिन कैसे आता है तो वह द्वंद्व समास होगा और अव्ययी भाव समास में पुनरावृत्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। इसका एक रूप यह भी है, इसका एक रूप और भी है कि यह दूसरे रूपों में भी पूछा जा सकता है। वो क्या रूप है, वो रूप यह है कि अगर मान लीजिए दे दिया गया है, शब्द दे दिया गया हाथों हाथ, हाथों हाथ, अगर शब्द दे दिया गया ऐसा दे दिया गया है हाथों हाथ, अब यहां पर हाथों हाथ में पूछा गया कि कौन सा समास है, तो हाथों हाथ को अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह क्या होगा, हाथ हाथ, यानी हाथ हाथ को ही हम क्या लिख सकते हैं,
हाथों हाथ लिख सकते हैं। एक ही शब्द की क्या हो गई, यहां भी पुनरावृत्ति हो गई, सिर्फ अंतर क्या है, लिखावट में अंतर है। यानी यहां पर भी जैसे मान लीजिए लिखा गया है रातों रात, रातों रात, तो अब रातों रात लिखा गया है तो रातों रात का मतलब यह हुआ कि रात रात, यानी जो काम केवल रात में होते हैं, रात रात ही किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रातों रात कहते हैं, रातों रात काम कर लिए। तो रातों रात काम कर लिए यानी रात रात, यहां पर भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द का दोहराव हो रहा है, इसलिए यहां पर भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है बातों बात लिखा गया है, बातों बात लिखा गया है, तो यहां पर भी क्या होगा, बात बात यानी अव्ययीभाव समास। लिखा गया है कानों कान लिखा गया है, कानों कान, तभी भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। एक ही शब्द की यानी कानों कान मतलब कान कान, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, यानी इस प्रकार से कहते हैं ये कानों कान सुनी हुई बातें हैं। तो अब यहां पर जो है इनमें भी कान कान हुआ, यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई, तभी भी अव्ययीभाव समास हुए। यानी यहां पर भी ऐसे भी अभी तक जो ट्रेंड था वह ट्रेंड यह था कि आपको यथा से पूछ लेता था, यथा साध्य प्रतिपल, आजन्म आजीवन ऐसा पूछ लेता था तो आप लगा देते थे। अब थोड़ा सा थोड़ी इसकी गहराई पे जाना पड़ेगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ट्रेंड बने कि इस प्रकार से पूछा जाए। बारंबार ऐसे शब्द है, बारंबार मतलब क्या होता है, बार बार। अगर बारंबार की हम बात करें, बारंबार की बात करें तो बारंबार मतलब क्या होता है, बार बार। और बार बार, बारंबार में भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास ही होगा। तो यहां पर ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। इसके एक रूप और हम बात कर लेते हैं, एक रूप पर वह बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसी को पूछ लिया गया, ऐसे भी पूछ लिया गया, कभी कभी ही लगा करके पूछ लेता है, तो ही लगा करके पूछता है, जैसे पूछा गया मन ही मन, मन ही मन में कौन सा समास है, तो मन ही मन। अब मन ही पूछा गया है तो यह समझिएगा कि कौन सा समास होगा मन ही मन में, यहां पर भी अव्ययीभाव समास ही होगा। अगर पूछा गया है घर ही घर, मान लीजिए पूछा गया क्या, घर ही घर, घर ही घर, आप ही आप, आप ही आप, ऐसा भी पूछा गया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी अर्थ यही होता है मन मन, यानी मन ही मन में, मन मन में ही सोचे, घर ही घर यानी घर घर में ही सोचे, आप ही आप अपने आप में यानी आप ही आप सोचे, किसी दूसरे का सहारा नहीं लिए। तो यानी यहां पर भी इस शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन भले ही आ गया है शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण यहां पर भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास ही होगा। तो यानी इस रूप में भी अव्ययीभाव समास क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से भी आप पूछा जा सकता है अव्ययीभाव समास को। तो यहां पर आशा ये करते हैं कि आपको अव्ययीभाव समास से बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो है हम दूसरे समास पर बढ़ते हैं, तो दूसरा समास की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह इसमें क्या विशेषताएं हैं और क्या खूबियां हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो आइए अब हम दूसरे समास की तरफ चलते हैं। तो दूसरा समास क्या आपका है, तत्पुरुष समास। यानी दूसरा समास क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो अब तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह छिपे हुए हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो यह हुआ। तो यहां पर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा पद है, कौन सा पद, दूसरा पद क्या हुआ,
वह प्रधान होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, अव्ययी भाव समास पढ़ा था, और अव्ययी भाव समास में हमने कौन सा पद प्रधान पढ़ा था, कौन सा पद मुख्य पढ़ा था, वह प्रथम पद मुख्य पढ़ा था। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद मुख्य और तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, या दूसरा पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जो पहला पद है और दूसरा पद है, इन दोनों पदों के बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो वहां पर विभक्ति आएगी, वहां पर कारक चिन्ह छिपा हुआ होगा। तो यहां दोनों पदों के बीच में अगर कारक चिन्ह छिपे हुए हो तो वहां समझिएगा कि ये तत्पुरुष समास वहां पर होगा। तो कारक चिन्ह हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, तो पहले कारक चिन्हों पर बात करें, तब यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा होगा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये देखें, यहां पर देखिए कह रहे हैं कि कर्ता ने, पहला कारक चिन्ह क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ, यानी पहला कारक चिन्ह, पहला क्या हुआ, कर्ता कारक चिन्ह, दूसरा क्या हुआ, कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध और सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। यानी यह 8 विभक्तियां, 8 कारक चिन्ह, या इसे कहते हैं 8 परसर्ग होते हैं। तो कर्ता की विभक्ति क्या है, ने, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का, के की, रा रे री और ना ने नी, ये तीनों होते हैं, का के की, रा रे री और ना ने नी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे ओ अरे। यहां पर जब देखेगा, जब मैं आपको विभक्त पढ़ाऊंगा, परसर्ग पढ़ाऊंगा, तो यहां पर जो समानता है, यहां पर से है, वहां पर अपादान में भी से है, करण में भी से है, इसका डिफरेंट आपको बताऊंगा, कैसे आपको समझ में आएगा। यहां कर्म का को है, यहां पर संप्रदान का भी को है। अगर मान लीजिए के लिए नहीं देता है तब क्या हम करेंगे, यहां अगर संप्रदान का को दे दिया या कर्म का संप्रदान का को दे दिया, हम कैसे ये जानेंगे कि ये संप्रदान का को है, अपादान का को नहीं है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कभी कभी ने की विभक्ति 0 कर देती है, 0 कर देती है, तो वहां पर हम कैसे जानेंगे कि यहां पर कर्ता विभक्ति लगा हुआ है। यानी इसको हम जब परसर्ग पढ़ेंगे, यानी विभक्ति पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको बात करेंगे। यहां पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये कारक चिन्ह आते हैं। तो अब ये जो है कारक चिन्ह, तो कौन से ऐसे कारक चिन्ह है जो यहां पर नहीं आएंगे, वो कारक चिन्ह आपके होंगे, पहला कारक चिन्ह होगा यह कर्ता कारक चिन्ह, यानी कर्ता कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होगा, नहीं आएगा। दूसरा इसमें होता है संबोधन कारक चिन्ह होता है, यानी संबोधन कारक चिन्ह भी इसमें आपको नहीं आएगा। यानी तत्पुरुष समास में कितने आपको विभक्तियां आएंगी, वह 6 आएंगे। अगर यह पूछा जाए, क्वेश्चन बना ही दिया जाए कि तत्पुरुष समास में कितनी विभक्ति आती है, ऑप्शन बना दिया जाए 4, 5, 6, 7 ऐसा बना दिया जाए, तो आ यानी जानिएगा 6। ऐसा भी पूछा जा सकता है किस समास में विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, या कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो किस समास में होता है, वह होता है तत्पुरुष समास में होता है। तो यानी यहां पर दो चीजें, ये कारक चिन्ह, दो पदों के बीच में कारक चिन्ह, दूसरा कर्ता कारक और संबोधन कारक विभक्ति नहीं लगती है। अब यहां पर हम कुछ शब्दों पर बात करें, तो उसको देखें कि कौन से ऐसे शब्द हैं और कैसे हम ये जानेंगे कि यहां पर क्या है, तत्पुरुष समास होते हैं। हम कैसे जानें, आप हमसे सांचारिक माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको शब्द आते ही यह चला जाना चाहिए, संदेश माइंड को देना चाहिए कि इसमें कौन सा समास होगा। तो उस पर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो समझिएगा कि कभी गलत नहीं होगा, और मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि आपको यह कोई भी शब्द आए
और आपको यह समझ आ जाए इसमें कौन सा समास होगा। इसलिए एक एक समास कायदे से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलिए, स्लो बट श्योर विंस द रेस, यानी धीरे धीरे चलिए लेकिन जीत पक्की करिए। और यह मेरा वादा है कि मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे साथ आप चले, मुझसे आगे भी मत चलिए, मुझसे पीछे भी मत चलिए, अगर आपने मेरे साथ चला तो यह निश्चित है कि आपका हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। यह आज हो सकता है कि आपको लगे यह अतिशयोक्त बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ना बोल करके जब मैं आप परीक्षा दे करके निकलेंगे तो संभवतः उस दिन अगर कोई याद आएगा तो पंडित अमरेश भट्ट याद आएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ा रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ जाए और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाए वह हमारे ही नोट्स से, हमारे ही क्लास नोट्स से आए। इसलिए क्लास नोट्स भी बनाते चलिए और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो यहां पर हम तत्पुरुष समास में अगर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ शब्दों पर हम बात करें। जैसे मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है विधानसभा। हम ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा शब्द लिखेंगे कि आप एकदम आसान शब्द हो और आप सुने हो। सुने हुए शब्द तो विद्यालय और गंगा जल ये तो सभी लोग जानते हैं, आप जो बोलेंगे तो वहां बता देंगे विद्या के लिए आलय ऐसा हो जाए, रसोई के लिए घर ऐसा हो जाएगा, गंगा का जल ऐसा, यानी ये राजपुत्र राजा का पुत्र। ये तो हम कुछ ऐसे शब्दों पर बात करें कि जो थोड़े से ऐसे हों कि अलग भी हों और माइंड सोचने पर भी मजबूर करें, तो उस पर हम भी हम बात करें। तो विधानसभा अगर लिखा गया है तो विधानसभा का अगर विग्रह किया जाए तो पहली चीज ये जानिएगा एक शब्द विधान है और एक पद क्या है सभा है। तो विधान पद और सभा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पदों के बीच में क्या छिपा रहेगा, विभक्ति या कारक चिन्ह छिपे रहेंगे। और ये कारक चिन्ह जो आप अपने आप से जो है इसका विग्रह करिए तो क्या हो सकता है, विधान के लिए सभा। विधान मतलब नियम कानून बनाना, तो ऐसी सभा जो नियम कानून के लिए बैठती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा। तो इसमें विभक्ति क्या जुड़ गई, के लिए जुड़ गई, के लिए जुड़ गई, यानी यहां पर विधान के लिए सभा ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर लिखते हैं राम कहानी, राम कहानी, तो राम कहानी में क्या हो जाएगा अगर हम विग्रह करेंगे तो आप, यह क्या हो सकता है, राम की कहानी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, यानी राम की कहानी को ही हम क्या कहते हैं, एक शब्द में हमने संक्षिप्त कर दिया, यानी जो ये अलग अलग हैं इसको हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। इसलिए समास का कार्य संक्षिप्तीकरण का है, जो आपको यहां पर विग्रह है अलग है उसको हमने क्या कर दिया, बिना अर्थ परिवर्तन हुए ही हमने ऐसा प्रयोग किया कि अर्थ भी न परिवर्तन हो और हमारे शब्द भी क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं, तो उसे ही हम क्या, समास की ये विशेषता होती है। तो यानी राम की कहानी, अगर मान लीजिए लिखा गया है रेत घड़ी, रेत घड़ी अगर शब्द लिखा गया है रेत घड़ी, तो रेत घड़ी तो रेत में चलने वाली घड़ी, अगर कोई घड़ी ऐसा बना दिया रेत में चलने वाली घड़ी, रेत में चलने वाली घड़ी, चलने वाली घड़ी अगर ऐसा, तो यहां पर क्या लाया, में विभक्ति आ गया। अगर मान लीजिए कि शब्द ये लिखा गया है, कोई शब्द लिखा गया, अगर शब्द ऐसा लिख दिया गया स्याही चूस, मैं कल भी इस बात पर स्याही चूस, तो स्याही चूस में क्या होगा, स्याही को चूसने वाला, स्याही को चूसने वाला, यहां पर क्या आ गया, को विभक्ति आ गई, स्याही चूस आ गया। तो अगर कोई भी शब्द आता है तो वहां पर क्या होगा, अगर आप यह निकाल ले जाते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है,
तो अब आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सा समास होगा। अगर इसको एक रूपों में और पूछा जा सकता है तो वो कैसा हो सकता है, आपको पुनः मैं आता हूं यहां पर, यानी यहां पर अगर हम देखें, अब देखिए यहां पर जो यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, स्याही चूस यानी स्याही को चूसने वाला, ऐसा लिखा गया है। अब को विभक्ति देखिए किस में पड़ता है, विधान के लिए सभा, अब विधान के लिए सभा है तो के लिए किस में आएगा, आपको आप सोचिए विधान के लिए सभा तो के लिए किस में आएगा, संप्रदान में आएगा। तो यानी ये कह सकते हैं संप्रदान को के लिए है ना, तो संप्रदान आएगा, और संप्रदान इसको यह भी कहा जा सकता है, यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर मान लीजिए यह शब्द लिखा गया है विधानसभा में कौन सा समास है, और उसमें ऑप्शन में दे दिया गया संप्रदान तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास, या दे दिया गया अधिकरण तत्पुरुष समास या संबोधन तत्पुरुष समास, तो कौन सा होगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। राम की कहानी, तो राम की कहानी का के की कहां पर है आपको मिलेगा, संबंध में, का के की रारेरी नानेनी यानी किस में मिलेगा, संबंध में। तो संबंध यहां पर कौन सी, राम की कहानी कौन सा समास हुआ, संबंध तत्पुरुष समास हुआ। यानी यहां पर जो भी आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं है कि आपसे केवल अब सीधा सीधा ऐसा ही पूछ लिया जाए बस इसको बताइए, ये तो पूछा ही जाएगा, इसमें कोई नो डाउट कि ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि इसको दूसरे तरफ से अब पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां कुछ क्लिष्टता, कुछ क्लिष्ट शब्द भी रखे जाते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो इसको निकालना आप जान जाइए, जो आपको पीडीएफ मिलेगा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेगा, वह सब अलग अलग है, कर्म का अलग रहेगा, अधिकरण का अलग रहेगा, संबंध का अलग रहेगा, यानी सबका अलग अलग उदाहरण आपको मिलेगा। ये नहीं है कि केवल एक ही में पूरा तत्पुरुष समास लिख करके और पूरा आपको सारे उदाहरण दे दिए गए हैं, तो उसको मैंने बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अन्य कुछ शब्दों पर अगर हम बात करें, अन्य कुछ शब्दों पर देखा जाए तो मान लीजिए कि जैसे लिख दिया गया है प्यादा मात लिखा गया है, प्यादा मात, तो प्यादा मात मतलब प्यादा से मात खाया हुआ, प्यादा मात। तो अब यहां पर प्यादा से मात खाया हुआ यानी से आ गया। अगर मान लिया लिख गया है जन्मांध लिख दिया है तो जन्म से अंधा, ऐसा हो सकता है। और मान लीजिए लिखा गया है, ऐसा भी शब्द आ सकता है आपको कि हथघड़ी, हथघड़ी ऐसा भी हो सकता है। तो हथघड़ी में क्या होगा, हाथ के लिए घड़ी, यहां देखिएगा हाथ की घड़ी नहीं होगा, हाथ की घड़ी। आप लोग प्रायः क्या कर देते हैं, मैं क्लास में जब भी पूछता हूं तो यही उत्तर आता है हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी नहीं होगा, हाथ के लिए घड़ी। अगर मान लीजिए आपका ये कलाई है तो इसमें ये हाथ की तो घड़ी बनाई नहीं जा रही है, बनाई जा रही है किसी स्टील की बनाई जा रही है या अन्य किसी मेटल की बनाई जा रही है, लेकिन किसके लिए, हाथ के लिए बनाई जा रही है, इसलिए इस हाथ की घड़ी नहीं बनाई जा रही है। तो कोई कोई ऐसे शब्द आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि लिखा जाता है रेल टिकट, ऐसा भी लिख दिया जाता है, रेल टिकट लिख दिया जाता है, तो रेल टिकट लिखा जाता है तो अब यह नहीं है कि रेल का ही टिकट हो गया, रेल का टिकट प्रायः लोग बोल देते हैं कि रेल का टिकट, तो अब यहां रेल का टिकट नहीं होगा, यह नहीं है कि जो रेल है उसी को काट करके टिकट बना दिया गया, ऐसा तो है नहीं। अब क्या होगा, यहां रेल के लिए टिकट होगा, यानी यहां पर भी क्या, के लिए विभक्ति लगेगी। तो थोड़ा सा इन शब्दों पर भी हम क्या करेंगे, विग्रह करते समय, गौर करते समय चलेंगे, यानी यहां पर आपको आसानी होगी क्योंकि वहां जो चार शब्द दिए रहेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो
तो इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में भी समझाते चलूंगा। तो आप ये देखेंगे कि आसानी से जो तीन क्वेश्चन, तीन जो ऑप्शन रहेंगे वो एकदम अलग रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो आपको नहीं आएगा। गुरु भाई अगर लिखा गया है, गुरु भाई यहां पर भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव में नहीं होगा। गुरु भाई में तो होगा लेकिन गुरुदेव में तत्पुरुष समास नहीं होगा। आप लोग देखिएगा कि गुरुदेव में कौन सा समास होगा, तो मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुदेव में, यानी कल इस पर हम जिक्र करेंगे कि गुरुदेव में कौन सा समास होगा। तो लेनी यहां पर जो है, ऐसे हमको बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं। एक शब्द बड़ा फेमस शब्द है और उस पर भी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि लिखा गया है अमरस, अमरस लिखा गया है, तो अमरस में क्या होगा, आम का रस अमरस होता है, यही तो होगा अमरस, अमरस। और अमचूर, अमचूर मतलब ऐसा आम का चूर्ण, चूर मतलब होता है चूर्ण, यानी आम का चूर्ण, यहां भी क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। एक शब्द है हरफन मौला, हरफन मौला, हरफन मौला। अब यहां पर हरफन मौला में कौन सा समास होगा, तो हरफन मौला में क्या है, हरफन में क्या है, मौला है। मौला मतलब क्या होता है, जानकार, मौला मतलब जानकार। यानी हर फन में क्या है, हर फन, फन मतलब क्या होता है, हुनर होता है, फन मतलब हुनर, यानी हर फन में क्या है, वह मौला है यानी जानकार है। तो ऐसे हो सकता है कोई कोई कठिन शब्द दे दिया जाए, तो उन कठिन शब्दों पर भी हम बात कर ले रहे हैं। हर फन मौला, यानी हर फन में क्या है, मौला है। अगर मान लीजिए शब्द दे दिया गया है कवि पुंगो, एक शब्द है कवि पुंगो, ऐसा, तो पहली चीज अपने दिमाग में यह संदेश दीजिए। आप ये देखिए कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है आपको, अव्ययी भाव समास पढ़ाया, मैं पढ़ाते हुए चलूंगा और बात करते हुए चलूंगा ताकि आपको तुलना करने में आसानी हो। तो कवि पुंगो में अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं, इतना तो क्लियर हो गया कि अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अब अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो कौन समास होगा, तो जो पढ़े हैं उसी पर हम बात करें। हम इसको भी अन्य जब पढ़ेंगे, कर्मधार द्विगु और आपके बहुव्रीहि द्वंद, यानी जो पढ़ेंगे तभी भी हम तुलना करेंगे, देखेंगे, तो आपको आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। तो कवि पुंगो, अब इसको विग्रह करिए, क्या कर सकते हैं आप विग्रह, जो भी विग्रह करेंगे आप करके देखिए। मान लीजिए कि आप विग्रह करते हैं कवि का पुंगो, चलिए ठीक है, आपको पता नहीं है पुंगो मतलब क्या है, मुझसे भी लेना देना है, मुझे मान लीजिए पता नहीं है कि क्या है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया आगे है, जो अव्ययी भाव समास दिया जाएगा, बहुव्रीहि समास दिया जाएगा, तत्पुरुष समास दिया जाएगा, द्वंद्व समास दिया जाएगा, यानी कुछ ना कुछ दिया ही जाएगा ऑप्शन में, चार में से एक आपको लगाना है। अब मान लीजिए लिखा गया है अब पुंगो, मतलब आपको आ ही नहीं रहा है, आप परेशान है कि अब पुंगो मतलब, अब तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इससे मतलब नहीं है आपको, मतलब ये है कि आप इसको विग्रह करना जान लीजिए। तो जब विग्रह करना आप जान लेंगे तो विग्रह कर लीजिए। मान लीजिए आपने लिखा कवि का पुंगो, ये सोचता है कवि से पुंगो, कवि में पुंगो, कवि के लिए पुंगो, यानी जो भी आपको लगाना है, विभक्ति लगानी वो लगा दीजिए। हर हर विग्रह में आप देखेंगे कि कोई न कोई विभक्ति ही लगा रहे हैं, यानी बीच में क्या कर रहे हैं, विभक्ति ही लगा रहे हैं या कारक चिन्ह लगा रहे हैं। तो बस इतना जानिए कि अगर बीच में, दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह आएगा तो वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आप भले ही नहीं जानते हैं कि पुंगो मतलब क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुंगो मतलब होता है श्रेष्ठ, पुंगो मतलब श्रेष्ठ होता है, यानी कवियों में श्रेष्ठ कवि पुंगो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता वहां नहीं रहेगी। आप ध्यान से सोचिएगा,
इत्मीनान से सोचिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, दूर दूर तक ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा। ऐसा नहीं दे दिया जाएगा कि इसमें आपको दे दिया जाए करण अधिकरण या अन्य भी आपको ऑप्शन दे दिया, बस ये पूछा जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष द्वंद पूछा जाएगा, बहुव्रीहि पूछा जाएगा, वे ऐसा कुछ वहां पर ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जो है अगर विग्रह जान गए तो आसानी हो जाएगी समास को समझने में, और तत्पुरुष समास को आसानी से क्या करेंगे समझ ले जाएंगे। तो आशा ये करते हैं कि आपको तत्पुरुष समास क्लियर हो गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है अब कल बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।